Hello guys, this is Prachi and welcome back to Prachi Foundation online classes. बच्चों हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो एनसीईआरटी क्लास टेंथ के लिए द लेटर का थर्ड पार्ट चल रहा है. ठीक है, पहले टू पार्ट्स मैंने ऑलरेडी ही अपलोड कर चुकी हूँ मैं, है ना. अब हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है थर्ड पार्ट और सेम लाइन की आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. तो हमारा थर्ड पार्ट जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से. व्हाइल अली वेटेड पियन वुड कम फॉर देयर फॉर्म्स लेटर्स एंड ही वुड हियर देम डिस्कसिंग देयर मास्टर्स स्कैंडल्स. तो बोलते जिस दौरान अली प्रतीक्षा या वेट या इंतज़ार कर रहा होता तो चपरासी लोग आप अपने फर्मों के आप अपने जगहों के लिए पत्र लेने आते और वह उन्हें उनके मालिकों की बुराइयों की चर्चा करते हुए सुनता था. ठीक है, तो दिस स्मार्ट यंग पियंस इन देयर स्पॉटलेस टर्बांस एंड क्रिकिंग शूज वर ऑलवेज ईगर टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. और ये जो चुस्त और चालाक चपरासी थे जिन्होंने बेदाग पगड़ियाँ और चरचराहट करते हुए नए जूते पहने होते तो अपनी बात सुनाने के लिए हमेशा वो उत्सुक रहते. Meanwhile, the door would be thrown open and the postmaster, a man with a face as sad and as unexpressive as a pumpkin, would be seen sitting on his chair inside. इसी बीच दरवाज़ा जो है वो फटाक से खुलता है और पोस्टमास्टर एक ऐसा आदमी जिसका चेहरा कद्दू के जैसा उदास और एकदम भावहीन है, मतलब कोई चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है और ऐसा ही उसका एक चेहरा था, बोलते अंदर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई देता है. देयर वॉज नो ग्लिमर ऑफ एनिमेशन इन हिज फीचर्स. सच मैन यूजुअली प्रूव टू बी विलेज स्कूल मास्टर्स, ऑफिस क्लर्क और पोस्ट मास्टर्स. तो उसके सिर्फ नैन नक्शों से ही, ठीक है, आईज, नोज, लिप्स, यहीं से उसके जीवंत होने का पता लगता है. उसके बाकी जो जीवंत होने की उसके जीवन में, मतलब उसके चेहरे पर ऐसी कोई चमक तो है ही नहीं, कुछ नहीं. तो इस तरह के व्यक्ति प्राय स्कूल के, गांव के जो स्कूल होते हैं उसमें मास्टर होते हैं या फिर दफ्तरों के क्लर्क या फिर पोस्ट मास्टर होते हैं. ऐसा लगता है उनको कि उन्हें अपने काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं और ज़बरदस्ती जो है उनको वो काम करवाया जा रहा है. वन डे, एक दिन, ठीक है, ही वॉज देयर एज यूजुअल एंड डिड नॉट मूव फ्रॉम हिज सीट व्हेन द डोर वॉज ओपन. और एक दिन वह पहले की तरह बैठा हुआ था और जब दरवाज़ा खुला तो वो अपनी जगह से ना उठा. पुलिस कमिश्नर द क्लर्क कॉल्ड आउट एंड अ यंग फेलो स्टेप्ड फॉरवर्ड ब्रिस्कली फॉर द लेटर्स. पुलिस कमिश्नर क्लर्क ने आवाज़ लगाई और एक जवान व्यक्ति, यंग व्यक्ति, उस लेटर को लेने के लिए बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा. सुपरिटेंडेंट, अनदर वॉइस कॉल्ड सुपरिटेंडेंट, एक अन्य ने, दूसरे आदमी ने आवाज़ लगाई, एक दूसरी आवाज़ लगाई. अनदर पियन केम एंड सो द क्लर्क लाइक अ वर्शिपर ऑफ विष्णु रिपीटेड हिज कस्टमरी 1000 नेम्स. एक दूसरा चपरासी आगे बढ़ा और इस तरह बोलते किसी विष्णु भक्त की भांति क्लर्क जो है हजारों नाम जो है वो दोहराता चला गया. एट लास्ट दे हैड ऑल गोन, और अंत में सब के सब जा चुके थे. अली गॉट अप टू एंड सैल्यूटिंग द पोस्ट ऑफिस एज दो इट हाउस्ड सम प्रीशियस रिलिक वेंट ऑफ. अली भी खड़ा हुआ और डाकघर को सलाम करते हुए मानो ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कोई बहुत ही कीमती चीज़ें जो है वो रखी गई हो, और वो वहाँ से चला गया. रैलिक का मतलब होता है अवशेष या पुरानी कीमती चीज़ें. ठीक है, अ पिटिएबल फिगर अ सेंचुरी बिहाइंड हिज टाइम. एक बड़ी ही दयनीय आकृति या परछाई या फिर एक फिगर बोल सकते हैं हम जिसको, जो अपने समय से एक सेंचुरी या एक शताब्दी जो थी वो पीछे थी. दैट फेलो आस्क द पोस्ट मास्टर इज ही मैड. एक व्यक्ति ने पोस्ट मास्टर से पूछा क्या यह पागल है. ओ हु सर, कौन, श्रीमान जी. ओ यस, हाँ, ओ हाँ, आंसर द क्लॉक. क्लॉक ने उसकी बात का
जवाब दिया कि किसके बारे में आप बात कर रहे हो? अच्छा, अली के बारे में। हाँ हाँ ये तो पागल है। नो मैटर व्हाट द वेदर इज, ही हैज़ बीन हियर एवरी डे एंड द लास्ट 5 ईयर्स। हालांकि उसको बोलते कोई फर्क नहीं पड़ता है मौसम कैसा भी हो, पिछले 5 सालों से हर दिन जो है यहाँ पर आ रहा है। बट ही डज नॉट गेट मैनी लेटर, किंतु उसे अधिक पत्र यहाँ पर नहीं मिलते हैं। आई कैन वेल अंडरस्टैंड दैट, हु डज ही थिंक विल हैव टाइम टू राइट अ लेटर एवरी डे। बोलते मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि वह क्या समझता है कि उसे प्रतिदिन पत्र लिखेगा कौन, हर दिन कौन लिखेगा इसके लिए पत्र। बट ही इज़ अ बिट टस्ट सर, किंतु श्रीमान जी थोड़ा सा बोलते सनकी है। इन द ओल्ड डेज ही कमिटेड मैनी सिंस एंड मे बी ही शेड सम ब्लड विद इन सेकर्ड प्रिसिंक्ट एंड ही इज प्लेइंग फॉर इट नाउ, द पोस्टमैन एडेड इन सपोर्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट। तो पुराने दिनों में उसने कई पाप किए हैं और हो सकता है बोलते कि किसी पवित्र जगह के अंदर कुछ खून भी बहाया हो, और अब जो है वो इसका भुगतान कर रहा है। डाकिये ने अपनी बात को सपोर्ट देते हुए या पुष्टि करते हुए ये कहा। प्रिसेक्ट, प्रिसेक्ट इसका मतलब होता है क्षेत्र या फिर सीमा। किसका मतलब होता है क्षेत्र या सीमा? प्रिसिंक्ट। मैडम मैन आर स्ट्रेंज पीपल, द पोस्ट मास्टर सेड। बोलते ये आदमी जो है ये पागल आदमी, ठीक है, पागल आदमी जो होता है बोलते थोड़े अजीब लोग होते हैं। द पोस्ट मास्टर सेट, पोस्ट मास्टर ने कहा, यस वंस आई सॉ अ पोस्टमैन इन अहमदाबाद हु डिड एब्सोल्युटली नथिंग बट मेक लिटल हिप्स ऑफ डस्ट। एक बार बोलते मैंने अहमदाबाद में एक डाकिया देखा जो धूल की छोटी छोटी ढेरियाँ बनाने के अतिरिक्त और कुछ बोलते बिल्कुल भी नहीं करता था, और तथा एंड अनदर हैड अ हैबिट ऑफ गोइंग टू द रिवर बेड इन ऑर्डर टू पोर वाटर ऑन अ सर्टन स्टोन एवरी डे। और दूसरे की आदत थी कि वह प्रतिदिन जो है नदी के पास जाया करता था और एक पत्थर के ऊपर प्रतिदिन जो है वो पानी डाला करता था। ओह दैट्स नथिंग, अरे यह तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। चिम्ड इन अनदर, एक दूसरे ने बात को बीच में काटते हुए कहा, दूसरे आदमी ने बात को बीच में ही काटते हुए कहा। आई न्यू वन मैडमैन हु पेस्ड अप एंड डाउन ऑल डे लॉन्ग, अनदर हु नेवर क्यूज्ड डिक्लेमिंग पोइट्री, एंड अ थर्ड हु वुड स्लैप हिमसेल्फ ऑन द चीक एंड देन बिगिन टू क्राई बिकॉज ही वॉज बींग बिटन। बोलते मैं एक पागल को जानता था जो दिन भर आगे पीछे चक्कर काटता रहता था, और दूसरा आदमी जो है पोएम का व्याख्यान मतलब उसके बारे में बताता रहता था जो कभी भी बंद नहीं होता था, और तीसरा तो ऐसा था जो खुद के गाल पर थप्पड़ मारा करता था और बाद में चिल्लाना इसलिए शुरू कर देता था क्योंकि उसको लगता था कि उसे किसी ने वो पीटा जा रहा है, कोई जो है उसको पीट रहा है, हालांकि वो जो है अपने गाल पर खुद थप्पड़ मारता था। एंड एवरी वन इन द पोस्ट ऑफिस बिगेन टू टॉक ऑफ लुनेंसी, तथा डाकघर में जितने भी व्यक्ति थे सभी के सभी अब सारा काम छोड़ के पागलपन की बातें करने लगे, पागलों के बारे में बातें करने लगे। ऑल वर्किंग क्लास पीपल हैव द हैबिट ऑफ टेकिंग पीरियोडिक रेस्ट बाय ज्वाइनिंग इन जनरल डिस्कशन फॉर अ फ्यू मिनट्स। और जितने भी कामकाजी लोग थे सभी लोगों की आदत होती है कि कभी कभी कुछ मिनटों के लिए कुछ भी बात हो रही है उसमें भाग लेने के लिए शामिल हो ही जाते हैं, मतलब समय जो है वो कुछ निकाल ही लेते हैं। आफ्टर लिसनिंग अ वाइल द पोस्ट मास्टर गॉट अप एंड सेड, थोड़ी देर सुनने के बाद पोस्ट मास्टर खड़ा हुआ और कहने लगा, इट सीम्स एज दो द मैड लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ देयर ओन मेकिंग। बोलते ऐसा लगता है कि पागल लोग अपने ही बनाए हुए संसार में रहते हैं। टू दैम परहैप्स वी टू अपियर मैड, और उन्हें शायद हम लोग भी बोलते पागल लगते हैं, जो ठीक इंसान है उन्हें वो भी पागल लगते हैं। द मैड मैंस वर्ड इज रादर लाइक द पोइट्स आई शुड थिंक, और पागल आदमी का संसार एक कवि के संसार के जैसा होता है, मैं ऐसा समझता हूँ। कौन ऐसा समझता है? पोस्ट मास्टर ऐसा समझता है। तो बच्चों ये था मेरा थर्ड पार्ट, किसका थर्ड पार्ट? द लेटर चैप्टर का, ठीक है। अब हमारा बचा है फोर्थ एंड लास्ट, फिफ्थ
फिर हमारा जो चैप्टर है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में अगर लगता है आपको कि ये वीडियो शेयर करने लायक है, और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।